डिनर कर लिया है घर में, खाना शाना खा के, तो हम अभी निकले हैं लेने के लिए मुईज के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें शम्स से, फॉर एग्जांपल जैसे वो जो सुबह सीरियल वगैरह खाता है वो वहीं से ही मिलेगा। कल ही का दिन है, उसके बाद उसने इंशाल्लाह आ जाना है, नहीं होगा तो जो लेना है छोटा मोटा वो आज ही ले लें। हम आ गए हैं F6 में, हालांकि रात का टाइम है लेकिन फिर भी रश देखे। अमेरिकन स्टेक हाउस, तो बड़ी दो तीन राउंड लगाने के बाद हमें यहाँ पार्किंग मिली है, और अभी ये शम्स वाला राउंड नहीं है। कितनी आ गया मुजीब? तकरीबन दो राउंड अबाउट हम पीछे। हाँ, तो बस ये देख लें कि क्या हालत हो गई है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। मौसम बड़ा प्यारा है और पैदल हम जा रहे हैं फुटपाथ पे, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, कम से कम एक दो ब्लॉक्स आगे शम्स है, वहाँ से चलकर लेते हैं कुछ चीज़ें। चले ये क्या लिया है? सीरियल, ठीक है। और ये मामा गेलोर की नहीं है लेकिन मामाज आइसक्रीम है, और इसमें ये है वनीला और ये है वॉलनट, और ये है जी हम खड़े हुए इन शाहीन केमिस्ट के बाहर, और घर में क्या नहीं है मुजीब? ब्रेड। अभी लेते हैं, चले। कितना खूबसूरत ये बना हुआ है शाहीन और डी वॉटसन के बाहर F6 में, और रात को तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे चलने का। और तो यहाँ पे है जी, ये है ग्रोसरी वाला एरिया, तो चल कर लेते हैं ब्रेड। ब्रेड किधर है? अच्छा, मिल गई ये। चलो ठीक है, और भी देख चीज़ें, ये वाली देख लो। ये तो चीज है, चीज चाहिए जी, तो ले लो वो वाली विदाउट फैट, है ना? नहीं नहीं, अच्छा कुछ नहीं होता, ये ले लेते हैं। ठीक है, ओके। और नाश्ते वाश्ते की चीज है, ये डबल उसमें 24 पीसेस है, वो 12 पीसेस होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? 12 वाला ले लो, 12 के दो लेने पड़ेंगे, ये एक में ही है। एक्चुअली ये तो हो गया ना सीरियल, यही उसको पसंद है। और ये बंच ऑफ ओट्स, और साथ में ये ब्रेड तो नीचे चली जाएगी, और ये उसके चीज स्लाइसेस। ये नूडल्स हैं जो कि स्पेगेटीज, ये मैं बनाऊंगी किसी दिन। हाँ, मूवीज को पसंद है ना? हाँ, अभी ऐसा सब मूवीज की कुछ चीजें भरी जा रही है। चक्कर लगाया जिसकी हाईलाइट ये है कि हम मामाज आइसक्रीम ही खाइए, सच्ची बात है। पार्किंग ढूंढते रहे हैं एक घंटा, और फिर जाकर ये एक दो चीजें हम लेकर आए हैं, लेकिन अभी वो K&M की कुछ चीजें हैं और कुछ इस तरह के कबाब्स वगैरह हैं, वो लाएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, बेटा आ रहा है तो नई क्विल्ट निकल रही है। यस, नई क्विल्ट। मुझे तो लगता है मेरे से ज्यादा मामा आप हैं उसकी। नहीं, सही बात है, ये जो है ये ग्रे सा कलर है, यही है मतलब, या ये कलर होता है इसमें, हाँ। या ये होता है, वाइट होता है, मैरून होता है, लेकिन मुझे तो यही पसंद है। हाँ, ये जो है गुड कलर। बला खोले, खोले बला, लो जी लो,
टैप हम उसके कमरे में लगा दें। ओपन करें ना पूरी। वैसे ये इतनी नरम, और मैं कहती हूँ इसका ना वेट कोई नहीं है। बेस्ट बात इसकी ये होती है कि इसका आपने ऊपर ली हुई हो, हाँ। आपको ठंड भी नहीं लगेगी, और इसका इतना लाइट वेट है। और ये मैंने मंगवाई थी जनाब अमेरिका में अमेज़न से। चलो हाँ ये बिछा दो, ये भी। ये जेट ब्लैक नहीं है। नो इट इज नॉट ब्लैक। ठीक है, लेकिन मुझे भी ये सिंगल तो नहीं है, डबल है ये। हाँ। यस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वेडिंग वाला व्लॉग बहुत पसंद किया है। थोड़ी सी मैं आपको तैयार हुई भी नजर आ रही होंगी, उसकी वजह ये है कि अभी बाहर जा रहे हैं और आज रात को मुईज़ की फ़्लाइट है इंशाल्लाह। थोड़ा मिड नाइट करके है वो, मतलब लाइक 2-3 बजे तक, और फिर वो बैग कलेक्ट करते करते मैं कभी 4 तो बज जाएंगे। उसके कमरे में कुछ थोड़े बहुत मैं और चीज़ें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स भी मुईज़ के साथ साथ आते रहते हैं, तो कुछ मैंने कहा स्नैक्स ला के रख दूँ उनके कमरे में, जहाँ पर वो बच्चे वगैरह आराम से अपना टाइम स्पेंड करें। फूल ले आऊँगी, वो तो वैसे ही हम वीकेंड्स पे वॉजेज में चेंज करते हैं, लेकिन अब तो खास तौर पर इसलिए क्योंकि मुईज आ रहा है। और सफाई वगैरह जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हो गई है। मैंने बड़ा टाइम लगाकर अपना ये ड्रेसिंग टेबल साफ किया है, क्योंकि इसके ऊपर हर कुछ कुछ दिन के बाद ना काफ़ी मट्टी सी आ जाती है। मेरे ख्याल में हमारे घर के साथ ही पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ से, और थोड़ी ट्रैफिक भी होती है, अदरवाइज तो हमारे घर में कोई सोर्स ऑफ डस्ट है होना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी वैसे डस्ट है हमारे उधर। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये रूटीन अपनी साथ साथ बताती रहती हूँ। अभी जाकर चीजें लेकर आते हैं और फिर चलेंगे रात को एयरपोर्ट। तो आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। सब मिलके हम रिसीव करेंगे आज मुईज़ को इंशाल्लाह। तो हम जा रहे हैं चीज़ें लेने के लिए, और देखें कितना प्यारा मौसम है, बादल आए हुए हैं और हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि इस दफ़ा जो बारिश होगी ना, उससे फिर सर्दी बढ़ जाएगी, है ना मुझे? हाँ। मैंने कहा आपको खूबसूरत सा मंजर दिखाती हूँ, थोड़ी सी धूप, थोड़े से बादल, क्या खूबसूरती है अल्लाह ताला ने बनाई। अच्छा जी, क्या लें क्या लें क्या लें, चलें चल के देखते हैं। वैसे ये मैंने ले लिए ग्रेन्यूला बार्स, बहुत सारी वैरायटी के बिस्किट्स हैं। दिस इज 1020। ये इम्पोर्टेड जो हैं, इम्पोर्टेड है चॉकलेट चिप वाले, बिक्की बिक्कियां बिक्कियां। चिकन समोसा, इसको रोस्ट करना पड़ेगा ऑयल में थोड़ा सा। टेस्टोस किस तरह के मूवीज को मेरा पसंद आते हैं, वो स्लाइसेस में जो डाल के खाता है, रिमेम्बर? ये लाइक्स लीची। चलो फिर ये मैम, एक पाउडर फॉर्म में, एक इसमें, आपको किसमें चाहिए, पाउडर फॉर्म में चाहिए या? ठीक है। और ये खाने के लिए बस बहुत सारी वैरायटीज है कॉफी की। और अभी देखते हैं कि जी अंजुम अपने बेटे के लिए कौन सी कॉफी सिलेक्ट करती है।
कुछ तो चीज़ें मोहित ने बताई हुई हैं मामा को, कुछ चीज़ें नहीं बताई हुई, देखते हैं। ये चीखे क्यों मार रही है गाड़ी? मुझे कुल्फी तो खाएं, बड़े काम कर रहे हैं हम गाइस, बड़े काम है। ये देखिए ना, अभी कुल्फी इसी तरह ही पड़ी हुई है और ये बड़ा मुश्किल काम है खाना है, थक गए हैं मुझे हम खा के। ये आपने नहीं लगाई भी बेल्ट? वेरी अनोइंग, बीप बीप, बंद हो गई। ये है ग्लोरिया जीन्स, ये है ग्लोरिया जीन्स। यहाँ से लेते हैं मुइज के लिए कॉफी, कॉफी रख देंगे फ्रिज में क्योंकि आधी रात को वो आ रहा है, तो कॉफी लेके कोई सैंडविच लेके रख देते हैं। चैलेंज, सॉरी गाइस, मैंने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी है, ये F11 का कॉफी बीन्स है, कॉफी बीन्स। ये देख, किसी को कोई, मैंने ग्लोरिया जीन्स कह दिया था गलती से, सॉरी। ये लो, मैं क्या शामा पै गई ने, अपना ऑर्डर नहीं आया, बस आने वाला थी, शामे पड़ गई है, आने मगरिब की अजान भी हो गई, मगरिब की अजान भी हो गई है, बड़ी देर हो गई है। चिकाचिनो में आए हुए हैं, मुजीब ने मंगवाया है वड़ा पाव और मेरे मंगवाया है पापड़ी चाट, बड़ी मेहनत का बड़ा काम कर रहे और कॉफी बीन, कॉफी बीन से होके आए हैं, हमने किया है वो घर जाके हम बताएंगे। अच्छा जी, ये हो गई मेरी पापड़ी चाट और ये हो गया मुजीब का वड़ा पाव जिसके अंदर है वड़ा पाव। ये वाह जी वाह, बड़ी मज़ेदार आलू की टिक्की है और साथ मुजीब ने मंगवाई है कड़क चाय और साथ इन्होंने ये दी है जी ग्रीन मिंट की चटनी। तो ये आ गया है हमारा बिल जो कि बाबा की डेट ऑफ बर्थ निकल आई है 1875। अच्छा नहीं लगा आपको मेरा जोक? बहुत अच्छा। फाइनली चीजें कंप्लीट हो गई है, ये वाइट चॉकलेट कॉफी है मुइज की। ओके, ये रानी सामान ऊपर लेके जा रही है, ऊपर वाले रूम में रख दे। और ये फूल आ गए, रेड ग्लेडियोल है जी, थोड़े से इधर लगा देते हैं, थोड़े से ऊपर लगा देते हैं। अच्छा वैसे पहले होता था कि ट्यूब रोजेस जो थे ना, ये सर्दियों में नहीं होते थे, मैं ये कहने लगा था, नहीं होते थे बिल्कुल, लेकिन इस दफा सर्दी आई बहुत लेट है तो ये है अभी तक। और खुशबू आप यकीन करें अभी भी है, एक बड़े प्यारा अल्लाह ताला ने ये फूल बनाया है। अच्छा मैं ये कलर भी लाई हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये कलर कैसा लग रहा है, ये एक पर्पल सा शेड दे रहा है, सही हो गया जी। इधर से देखें ना जरा, और ये ऊपर लगा देते हैं। बिल्कुल, और ये मैं मुझे कॉफी ऊपर ले जाकर रखती हूँ फ्रिज में। चलो जी, थोड़े से हिफ्ज़े मात कदम के तौर पे लग गए फूल यहाँ, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में इधर से उठा देते हैं, ठीक है, गुड हो गया। जल्दी जल्दी दे देती हूँ जो हमने सारा ठीक किया हुआ है। ये देखें, ये सारा हो गया हमारा, फिर यहाँ आ जाएं तो ये बिल्कुल साफ सुथरा हमने आज किया है, बिल्कुल एक एक चीज हमने साफ की है जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। और कोई बात नहीं, आज रात को ना सही, कल रात को इंशाल्लाह मुइज हमारे साथ ही होगा। फिर आगे चलते हैं, ये वाला रूम तो आप लोगों ने देख ही लिया हुआ है, ये वाला
और फिर ये वाला तो आलिया खाला वाला रूम है, ये देखिए ये बिल्कुल। मैं आपको आज ना ये होम टूर नहीं दे रही हूँ, मैं ये क्लीनिंग दिखा रही हूँ कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज पिक एंड स्पैन चमक रही है। और अब मैं आपको ऊपर की भी दिखा देती हूँ रूम। चले जी पर आ जाए, तो ये हमारा ऊपर का भी सारा साफ सुथरा है। ये मैंने अभी कपड़े उठाने हैं, बाकी सारा कुछ हमारा साफ है।